हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज एग नूडल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। एग नूडल्स सभी को पसंद है, बच्चे बड़े इसे बहुत ही प्रेम से खाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए। इस रेसिपी को बनाना जितना आसान है, खाने में उतनी ही लाजवाब है। अगर आज की मेरी ये एग नूडल्स की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। गैस पे हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है और उसे उबाल लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक। नमक को हम पानी के साथ अच्छे से उबलने देंगे और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तेल, एक कुकिंग ऑयल है और इसे भी हम उबाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये नूडल्स। तो नूडल्स को हमें तोड़ना नहीं है, इसके लिए हमने बड़ा सा बोल दिया था। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और 2 से 3 मिनट उबालने के बाद एक बार चेक कर लेंगे कि अपना नूडल्स उबला है कि नहीं। आप देख सकते हैं नूडल्स में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसमें से एक लच्छी को चेक करके आपको बता दे रहे हैं। ये अपनी नूडल्स जो है वो 2 टुकड़े में अच्छे से टूट रही है, यानी कि ज्यादा गला नहीं है, अच्छे से उबल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर लेंगे और इस नूडल्स को एक छलनी की मदद से हम ऐसे निकाल के और तुरंत हम ठंडे पानी में डाल देंगे। तो हम तुरंत इसे ठंडे पानी में डाल दे रहे हैं। आपके पास कोई भी छड़नी हो उससे छान लीजिए, मेरे पास ये है तो मैं ये छड़नी से छान रही हूँ। अब हम इस पानी को भी एक दूसरे छड़नी में ऐसे छान देंगे। तो आप देख सकते हैं एक भी नूडल्स अपना चिपका नहीं है, हमने इसे छान लिया। अब हमें क्या करना है, इस नूडल्स को एक प्लेट में ऐसे निकाल के और कोई भी ठंडी जगह पे रख देना है, जैसे कि पंखे के नीचे, या इसे आप ऐसे भी फैला के रख सकते हैं। तो इसे हम अभी पंखे के नीचे रख दे रहे हैं। जब तक नूडल्स ठंडा हो रहा है तब तक हमने गैस पे एक फ्राई पैन ले लिया है और हम गैस को ऑन कर लेंगे। पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे और उसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम चारों तरफ ऐसे फैला लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें अंडा तोड़ लेंगे। अंडे को हम ऐसे तोड़ के और डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने 4 अंडे लिए हैं। हमने 4 अंडे लिए हैं। अंडे को हम अच्छे से पहले सिकने देंगे और ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा नमक छिड़क देंगे। इसे हम हल्के हाथों से चलाएंगे क्योंकि हमें इसे पीस में तैयार करना है। नूडल्स में जब हम डालेंगे तो हमें पीस देखना चाहिए। तो हम इसे धीरे धीरे चलाएंगे, ज्यादा हमें भूसी नहीं करना है इसे। हमने अंडे को मोटे मोटे पीसेस में फ्राई किया है, आप देख लीजिए। ये जब हम नूडल्स में डालेंगे तो हमें पीसेस उभर के दिखेंगे। तो ऐसे ही हमने अंडे को फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस अंडे फ्राई को हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे हमने भुर्जी को अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसी कढ़ाही में थोड़ा सा और तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे, कभी भी हम चाइनीज डिश बनाते हैं तो गैस का फ्लेम तेज ही रखते हैं। लहसुन को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं होने देना है,
जस्ट इसका कच्चापन दूर करना है। कच्चापन दूर हो गया है, अब हम इसमें स्प्रिंग ओनियन का व्हाइट पार्ट डालेंगे। आप चाहें तो दूसरा भी ओनियन डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्प्रिंग ओनियन यूज कर रही हूँ। और इसे भी हम कुछ मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज हो गया है, अब हम इसमें एक हरी मिर्च जिसे हमने बारीक काट लिया है उसे भी डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ कैबेज। बारीक कटा हुआ कैरेट और इसे हम इतना ही भूनेंगे जितना कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। हमें सब्जियों को गलने नहीं देना है, इसमें क्रंच रखना है। कैरेट को भी हमने भून लिया है, अब हम इसमें कैप्सिकम डाल रहे हैं। कैप्सिकम हम लास्ट में डालते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट होने लगता है। तो इसे भी हम आधे से एक मिनट तक भून लेंगे सब्जियों के साथ। कैप्सिकम को भी हमने भून लिया है, अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। तो हम 2 चम्मच सोया सॉस डाल रहे हैं। एक चम्मच रेड चिली सॉस, एक चम्मच हम ग्रीन चिली सॉस डाल रहे हैं। आप अपने तीखा के अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच विनेगर। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम डालेंगे जो फ्राई किया हुआ एग हमने लिया था उसे। तो एग नूडल्स जब भी हम बनाते हैं फ्राई एग्स को बाद में डालते हैं और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। एग्स को हमने मिक्स कर लिया है, अब हमने जो नूडल्स स्टीम करके रखा था हवा में उसे दिखा दे रहे हैं। आप देखिए एक एक नूडल्स अलग अलग दिख रहा है। इस नूडल्स को हम इसमें डाल देंगे और 2 चम्मच की मदद से हम इसे ऐसे मिक्स करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन नूडल्स तैयार होता है, खाने में तो इसका जोड़ नहीं होता है। तो हमने नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम लास्ट में डालेंगे टेस्ट के अनुसार इसमें नमक और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एक एक नूडल्स अपना अलग अलग दिख रहा है, बिल्कुल होटल के जैसे। ये ऊपर से डालेंगे स्प्रिंग ओनियन का ग्रीन पार्ट और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो हमें इस ओनियन को ज्यादा पकाना नहीं है, हम तुरंत गैस को ऑफ कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी नूडल्स तैयार हुई है, एक भी एक एक पीस दिख रहा है, सारे सब्जी में भी क्रंच है, नूडल्स भी अलग अलग है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो अब हम इसे एक बॉल में डाल दे रहे हैं, ऐसे हम सर्व करेंगे। अब हम ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन से गार्निशिंग कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये फाइनली अपनी एग नूडल्स बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये एग नूडल्स की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।